अब सब हम किस उत्साह है आज किस प्रार्थना सभा को आरम्भ करें। हम एक गीत गाते हुए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे प्रार्थना सभा की कार्यवाही में आगे बढ़ेंगे। ईसुआ ईसुआ नहीं तेरे से कोई, इस गीत को गाते हुए हम इस प्रार्थना सभा को आरम्भ करेंगे। ईसुआ ईसुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ईसुआ मुक्तिदाता राजों का राजा प्रभु के प्रभु
आइए प्रभु, आज के सुंदर घड़ी में हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो ये हमारा प्रभु है, तो हमारा मुक्तिदाता है प्रभु, तेरे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आप परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, ये हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पिता यहोवा, ये हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हे सृष्टिकर्ता, हम आप सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवितों के लोक में रखा परमेश्वर। जबकि आज तक दुनिया में कितने लोग मृत्यु लोग को चले गए प्रभु, कितने लोग कोविड-19 का शिकार होकर मौत के गले लगा लिया प्रभु, लेकिन आज तक आपने हमें जीवितों के लोक में संभाला है प्रभु, इस महामारी से बचाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुबह से हम आपका कृपा प्रेम के लिए, जो प्रेम आपने पापियों से किया, अपने वाले क्रूस की मृत्यु सहन किया, अपना लहू मारने बहा दिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। आप इसलिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। आज के सुंदर समय में प्रभु हम आपका महान बलिदान के आपको धन्यवाद देते पुकारते इस घड़ी, यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, अपना लहू से हमें सहरे को धो दे ताकि हम शुद्ध पवित्र बन जाएं। प्रभु इस समय में आप हमारे दुआओं को ग्रहण कीजिए पिता, जो भी संदेश आज अपने लोगों को देना चाहते हैं प्रभु इस घड़ी, तो दुर्बल दास के जवान से तू स्वयं बोल, ताकि हम हर एक उन संदेश सुन सके जो आप बोलना चाहते हैं। प्रभु इस घड़ी इस प्रकाशक्रम को हम अपने हाथ सौंपते हैं, आज सुन साखरी तक आप हमारी मदद कीजिए, परमात्मा हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि पिता आज का कार्यक्रम प्रभु जी यीशु के नाम में सफल होने पाए और बहुत सारे लोग आशीष होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम दुआ को मांगते हैं, रात सुने आवाज से ग्रहण कीजिए, आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में आज के शाम हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देने का एक विषय है, क्योंकि जैसे कि लगातार आप जान रहे हैं कि 26 तारीख से लेकर आज तक लगातार हम प्रार्थना में जुड़े हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी है, और हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने ग्रहण किया है, और आज बहुत सारे लोगों को चंगाई मिला है और लोग अपनी चंगाई की गवाहियां भेज रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम आज पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, जो आज इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कोविड-19 के भयंकर प्रकोप से निकाला है, टाइफाइड की बीमारी से निकाला है, और उन्हें बिल्कुल चंगाई दे दिया है, और आज वो धन्यवाद और आज वो धन्यवादी होकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो ओलेवल लकड़ा, जो कुमार बाग का निवासी है, जो कोविड-19 का शिकार था, लेकिन आज वह प्रभु के दया से बिल्कुल चंगा हो गया है, और वह प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है। सुशांतो मेन और अजय आशीष मेन, जो चुड़ीटोला निवासी, जो टाइफाइड से पीड़ित थे, लेकिन प्रभु ने पिछले दिनों में उनको भी चंगाई दिया, और वे भी आज अपनी गवाही पेश करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने चंगाई दिया है, और वह धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को। श्रीमती पूनम लकड़ा, जो बीटा के निवासी है, और उसका पुत्र मोहित लकड़ा, जो बीटा के निवासी, दोनों कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है, और दोनों माँ बेटे को चंगाई दिया है, और आज स्वस्थ हैं, वे अपनी गवाही देते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया है, और उस तहत सारे मन से वो खुदा को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। जीवन मसीह कंडुलना, वो भी आज कोविड-19 से बाहर निकल चुके हैं, और वो भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर ने इस भाई को भी कोविड-19 से बाहर निकाला है। बहन अनुनीत कच्छप CIP कांके, और बेटा एलेक्स कच्छप CIP कांके, दोनों माँ बेटियों को परमेश्वर ने कोविड-19 से बाहर निकाला। आज उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, और वो सच्चे मन से अपने आंसुओं के साथ में वो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं। सचमुच में परमेश्वर भला है, और उसकी करुणा सदा की है। जितने लोग आज चंगाई हुए हैं, सब लोग ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और हम भी इनके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सर, कल आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का नाम प्रार्थना में नहीं लिया गया होगा। मैं बताना चाहता हूँ इस समय एक बात को, कि जिनका 7 दिन लगातार नाम ले लिया गया है, 7 दिन इसका नाम लगातार ले लिया गया प्रार्थना में, उनका नाम को हम लोग हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन जो है वो पूर्णांक है, पूर्णता का द्योतक है। आपको पता है जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो उसने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 दिन में परमेश्वर ने कंप्लीटली पूरे विश्व की रचना की है। 7 जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण नंबर है। 7 दिन का सप्ताह भी होता है, आप लोग जानते हैं 7 दिन का सप्ताह भी होता है। तो ये 7 जो है एक महत्वपूर्ण नंबर माना गया है, और मनुष्यों के बीच में ये कहा जाता है कि 7 जो है वो लकी नंबर है।
तो सात दिन जिनके लिए, सात दिन जिनके लिए प्रार्थना कर दी गई है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से चंगाई दे दिया है। आप धन्यवाद देते रहे प्रभु को। हम लोग आपके नाम साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन प्रार्थना में आपको हम लोग सम्मिलित करते हैं। सब सम्मिलित में हम आपके नाम को नहीं लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए दुआएं करते हैं। इसलिए विश्वास करें कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा। तो चलिए आज फिर हम लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और इस समय हम लोग आज के लिए एक संदेश सुनना चाहेंगे, क्योंकि संदेश महत्वपूर्ण होता है, और जैसे संदेश सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है प्रभु के प्रति और बढ़ता जाता है, और जब हम विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं और प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें चंगाई देता है। आज की शाम के लिए हम एक वचन आपके सामने रखना चाहेंगे, और वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 46 पद से लेकर 52 पद तक हम सुनना चाहेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय और उसका 46 पद, 46 पद से लेकर 52 पद तक, 52 पद तक सुनेंगे। वहां पर ऐसा लिखा मिलेगा, वे एरिहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरिहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुत उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढारस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर सिकर उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, या कि मैं देखने लगूं? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तो विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यह परमेश्वर का वचन है, प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे भाई बहनों, आज इस अध्याय में, इस पाठ में हमने एक बात को देखा, एक अंधे भिखारी के विषय में जिसका नाम बर्तिमाई था, और उस अंधे भिखारी की चंगाई के विषय में भी हम यहाँ पर पढ़ने पाते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया। यहाँ पर एक बात को देखने पाते हैं, जब उस अंधे को बर्तिमाई को पता चला कि यीशु मसीह एक भीड़ के साथ उसके बगल से गुजर रहे हैं, तब वो यह जानकर कि यीशु मसीह है, वो जोर जोर से पुकारने लगा कि हे यीशु दाऊद के संतान, हे यीशु नासरी दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा, ए चुप रह, चिल्ला मत, लेकिन अंधे ने फिर भी उनकी दबाव पर ध्यान न दिया, बल्कि जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। अब बाइबल ने लिखा है कि उसका चिल्लाना प्रबल हो गया। मेरे भाई बहन, यीशु ठहर गया उसकी आवाज को सुनकर और उसका पास बुलाया, और यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगाई दिया। मेरे भाई बहन, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह को पुकारना चाहते होंगे, जो यीशु मसीह की दुआई देना चाहते होंगे, लेकिन आज बहुत सारे लोग आप पर दबाव डालते होंगे कि चुप रहा, ज्यादा धर्मी ना बन, अपनी आवाज बंद कर, यीशु मसीह को पुकार मत, अभी तेरे लिए तो दवाई की आवश्यकता है, तेरे लिए तो सेवा की आवश्यकता है, तेरे लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, अब तू यहाँ पे यीशु से चिल्ला रहा है। मेरे भाई बहन, अगर वर्तमान लोगों की आवाज से डर कर उनके दबाव में आकर चुप हो जाता तो वर्तमान कभी चंगा नहीं हो पाता। आज आप में से बहुत लोगों को, बहुत लोग दबाते हैं, हो सकता है घर के लोग भी होंगे जो अविश्वास की दशा में होंगे, और जब आप यीशु मसीह को पुकारते होंगे अपने इस बीमारी के अवस्था में, तो लोग कहते होंगे, हो सकता कोई मजाक उड़ाता होगा आपका कि तुझे तो इस समय डॉक्टर को पुकारना चाहिए था, डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, दवाई लेना चाहिए था, आप तो यीशु मसीह को पुकार रहे हो। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल एक बात को बतलाता है, जिन्होंने यीशु मसीह को दृष्टि की उन्होंने कभी लज्जा का सामना करना नहीं पा, लज्जा का सामना करना नहीं पड़ा। हम एक बात और देखने पाते, किस तरह के विषय में देखते हैं, मत्ती सुसमाचार के 15 अध्याय और उसका 21-22 पद में, वहां पर ऐसा लिखा मिलता है, मत्ती 15:21-22, यीशु वहां से निकलकर सूर और साइदा के प्रदेश को चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। मेरे भाई बहनों, हम अपने एक स्त्री के विषय में देखते हैं,
और वो स्त्री जो है वो कनानी स्त्री है और वो यीशु के पीछे चिल्ला कर आ रही। चिल्लाना का मतलब है ऊंचे आवाज से पुकारना, चिल्लाना का मतलब ऊंचे आवाज से पुकारना। वो चिल्ला कर कह रही कि हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है, उसे चंगा कर दे प्रभु। उसका कहने का मतलब यही था। वहां पर बहुत सारी बातें लिखी है। तब वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसकी बेटी पर दया किया और उसकी बेटी को चंगा कर दिया। इसका चिल्लाना प्रबल हो गया। वो चिल्लाती चिल्लाती यीशु के पीछे आ रही थी, यीशु ने सुना करके जा रहा होगा, लेकिन इसका चिल्लाना प्रबल हो गया। यीशु मसीह ने उस बहन के विश्वास को देखकर उसके बेटी को चंगाई दिया। हम एक वचन को आप पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार का 17:12-13 लूका 17:12-13 वहां पैसा लिखा मिलता है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे सबसे कहा, हे यीशु हे स्वामी हम पर दया कर। ऊंचे सबसे यानी कि चिल्ला कर कहा, हे यीशु हे प्रभु हे स्वामी हम पर दया कर। और आप जानते हैं कि प्रभु ने उनके चिल्लाने को सुनकर, पुकार को सुनकर प्रभु ने उन 10 कोढ़ियों को क्या किया, चंगा कर दिया। मेरे भाई बहन, संसार में जब सब कष्ट आए, विपत्ति आए, मरी आए, तकलीफ आए, आपको सबसे पहले उसको पुकारना है जो सचमुच हमको चंगा कर सकता है। बेशक हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, हम हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं, हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन जो सबसे पहले यीशु मसीह को पुकारता है, उस पर ईमान लाता है, और निश्चय चंगाई को प्राप्त करता है। परमेश्वर ने कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15 में लिखा मिलता है हमको, आपको प्रभु का वचन कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मुझको पुकार करता है परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे भाई बहनों, जब हम लाचार हो जाते हैं, जब हम विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, मृत्यु का भय हमें सताने लगता है, अगर ऐसे संकट के समय में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज देखते हैं हम लोग, 8 लोगों ने आज परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु ने उनको चंगाई दिया और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद के भेंट चढ़ाया। प्रभु कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये लोग महिमा करते हैं आज परमेश्वर का। लिखा है भजन ग्रंथ में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। भजन 50:23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और आज जो जगह पा लिए इन्होंने सचमुच में, आज जब धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो ये परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे भाई बहन, इसराइलियों के जीवन के बारे में हम और अब देखते हैं। इसराइली जो थे मिस्र के बंधुआई में 400 वर्ष से गुलामी में थे, और उस 400 वर्ष से गुलामी में वो त्राही त्राही कर चुके थे, आंसुओं में उनका जिंदगी थी, कष्टों में जीवन था, और वो रोज चिल्लाने लगे परमेश्वर को, चिल्ला चिल्ला कर दुआएं देने लगे। और वचन का लिखा है कि परमेश्वर ने उनका कराना को सुन लिया। इसराइली प्रजा जो 400 वर्ष से मिस्र के बंधुआई में थी, जो विभिन्न प्रकार के कष्टों में थे, और वे चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर की दुआएं देने लगे। निर्गमन की किताब जब पढ़ेंगे हम लोग, 2:24, निर्गमन 2:24, तो वहां पर देखने पाते कि परमेश्वर ने उनके कराहना को, जो दंत भरी आवाज थी इसराइली प्रजा का, उसको सुन लिया परमेश्वर ने। लिखा है निर्गमन 2:24, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब से के साथ मानी थी, स्मरण की। परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुन लिया। जो भी इसराइली प्रजा ने ठिठाई किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उसके बावजूद परमेश्वर ने उनका कराहना को सुनकर वो उनके साथ जो वाचा बांधी, प्रवचन के साथ जो वाचा बांधी, उसको स्मरण किया, और तब वो उनको छुड़ाने का उपाय करता है, बचाने का उपाय करता है। और उसने मूसा को बुलाता है। जब झाड़ी कथा सुनते हैं निर्गमन 3 अध्याय में, जब पढ़ते हैं जहाँ पर कि झाड़ी के झाड़ी में, जलती झाड़ी में मूसा से बात करता है परमेश्वर, वहाँ पर मूसा को बुलाहट देता है, और मूसा से क्या बोलता है परमेश्वर, उसमें जब दर्शन दिया मूसा को, तो यहोवा ने मूसा से क्या कहा, निर्गमन 3 अध्याय
9 और 10 पद पढ़ेंगे तो लिखा मिलता है और आपको निर्गमन के 9 10 पद। इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए अब सुन इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, अमिश्रों का उन पर अत्याचार करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल लावे। यहां पर परमेश्वर अपनी प्रजा को जो चिल्लाहट जो चिल्ला रहा था परमेश्वर के अपने परमेश्वर को मुंह करके, परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुन लिया और उसने मूसा से कहा मुझको इसराइली प्रजा की चिल्लाहट सुनाई पड़ती है, इसलिए तू जा और उनको मिस्र के बदौलत छुड़ा ला। इस तरह का हुक्म यहोवा ने मूसा को दिया। हम जानते हैं कि मूसा की अगुवाई में इसराइली प्रजा जो 40 साल की बंधुवाई से वो छुटकारा, 400 साल के बंधुवाई से, 400 साल के बंधुवाई से क्या होता है वह छुटकारा पाते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जो है अपने उन लोगों को जो उसकी चिल्लाहट के साथ जो चिल्लाहट उनको पुकारते हैं वो उनकी आवाज को सुन लेता है, और जिसकी आवाज परमेश्वर सुन लेता है उसको वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बचाता है। आज आप में से कितने लोग बीमारी में तड़प रहे होंगे, COVID-19 के शिकार होकर, कोरोना पॉजिटिव होकर आज बहुत सारे लोग कराह रहे होंगे, मौत का भय ने आपको भयभीत कर दिया होगा और आप में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को चिल्ला रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं अपनी आवाज को बंद मत कीजिए, अपने चिल्लाहट को बंद मत कीजिए। अगर बदमाश नहीं चलाता तो प्रभु उसको चंगाई भी नहीं देता। कनानी स्त्री अगर चिल्लाहट नहीं अपनी चिल्लाहट को प्रभु तक नहीं पहुंचाती तो शायद उसके बेटियों को चंगाई नहीं मिलता। अगर वह अंधे और 10 कोढ़ी अगर ऊंचे सबसे यीशु मसीह को नहीं पुकारते, यीशु मसीह को उनका सब सुनाई नहीं पड़ता तो शायद वो चंगे नहीं होते। इसराइली प्रजा अगर यहोवा की ओर देखकर अगर चिल्लाहट नहीं करते या चिल्लाते नहीं तो शायद उन्हें भी चंगा छुटकारा नहीं मिलता। आज मेरे भाई बहन अपनी आवाज को दबने मत दे, अपने चिल्लाहट को दबने मत दे, जोर जोर से कहे, धीमे वर्ड में नहीं, जितना आपकी शक्ति है उतना जोर से कहे, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। अब चिल्लाते रहे और प्रभु सुन लेगा आपकी आवाज को और आपको चंगाई देगा। मेरे भाई बहन लिखा है केवल आचार की प्रार्थना को मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। बीमार लोगों के प्रार्थना वो बहुत जल्द सुनता है, लाचार बीमार लोगों के प्रार्थना प्रभु बहुत जल्द सुनता है। जो चिल्लाहट के साथ उसको आवाज लगाते हैं, जो ऊंचे सबसे पुकारते हैं यीशु मसीह को उसके दया के लिए, अपनी चंगाई के लिए, सबसे दया पाने चंगाई पाने के लिए, उसी घड़ी यीशु मसीह आपकी आवाज सुनकर आपको चंगाई देता है। भजन संहिता 102 का 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता 102 अध्याय का 17 पद लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनके प्रार्थनाओं को उनके पुकार को तुच्छ नहीं जानता है परमेश्वर। वह लाचार विवश की प्रार्थनाओं की ओर कान मुंह करता है, परमेश्वर मुंह करता है, ध्यान लगाता है और उनके प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। इसलिए मेरे भाई बहन जब आज बीमार है, जब आप लोग इस समय में कोरोना पॉजिटिव है, टाइफाइड से के शिकार है, मौसमी बुखार के शिकार है, सर्दी खांसी के शिकार है, कैंसर के शिकार हो चुके हैं, इस घड़ी एक ही काम आपको करना है, यीशु मसीह को आवाज लगाइए, पुकारिए, बदमाश के समान पुकारिए, उकनानी स्त्री के समान पुकारिए, 10 कोढ़ी के समान पुकारिए, इसराइली प्रजा के समान पुकारिए और वो सुन लेगा आपके शब्द को। भजन कार कहता है, मैं भोर को, दोपहर को और संध्या को पुकारता रहूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। भजनकार कहता है, मैं सुबह को, प्रातःकाल को, दोपहर को और संध्या को पुकार कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आपकी कराह, आपकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंचना चाहिए। अपने आवाज को खोल कर चिल्लाओ और परमेश्वर आपकी चिल्लाहट को सुन लेगा, आपके बिछावन से उठकर खड़ा कर देगा, अब उठाकर खड़ा कर देगा। इसराइलियों की चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को भेजा छुड़ाने के लिए और मूसा उनको 400 वर्ष की गुलामी से आजाद करा पाया परमेश्वर के सामर्थ्य से। आज आपके लिए भी 55 उपाय रखा है, वो कैसे आपको चंगाई देता है, किसको भेजता है आपको चंगा करने के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। वचन के अंदर लिखा हुआ है,
107 का 20 पद में, भजन संहिता 107 अध्याय के 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा या वह अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है और जिस गढ़े में पड़े हैं उसे निकालता है। यह परमेश्वर का चंगा करने का काम, चंगा करने का उपाय। लिखा है वह अपने वचन के द्वारा या अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है और जिस गढ़े में पड़े, जिस मुसीबत में पड़े हैं उसे निकालता है। किनको? जो उसको पुकारते हैं, जो ऊंचे सबसे पुकारते हैं परमेश्वर को, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। वचन क्या है? नया नियम के अंदर आते हैं, पहला यूहन्ना के पहला पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय के पहला पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार के पहला अध्याय पहला पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इस वचन के विषय में आगे लिखा है 14 पद में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण का हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारण किया, देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन था देहधारी? वचन यीशु मसीह। तो स्पष्टता से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा से वो हमको चंगाई देता है। आज जो भी बीमार है आप, कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, कितना बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना आया हो, कोविड का संक्रमण आपको कितना निराश क्यों ना कर दिया हो, सिर्फ एक बात करना है मेरे भाई बहनों आज के साथ, कहना यीशु मुझ पर दया कर। वर्तमान चिल्लाया हे दाऊद के, हे दाऊद के स्थान मुझ पर दया कर। इस्राएली स्त्री ने चिल्लाई हे यीशु दाऊद के स्थान मुझ पर दया कर। 10 घोड़ियों चिल्लाया हे प्रभु स्वामी हम पर दया कर। इस्राएल चिल्लाए हे यहोवा हम पर दया कर। और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर कानों तक पहुंचा हुए चंगाई प्राप्त की है। आपकी चंगाई कहां जा रही है? आपकी चंगाई कहां पहुंच रही है? क्या डॉक्टर के पास या फिर कहां? आपकी आवाज केवल यीशु मसीह तक पहुंचे। चिल्लाओ अपने विश्वास से समय में, जहां भी इस समय आप हैं, मैं प्रभु का दास होने सब दास होने का कारण नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। समय आप पुकारिए समय में और इसी घड़ी विश्वास करें कि प्रभु आपकी आवाज सुनकर ठहर जाएगा और आपको कहेगा जा तू चंगा हो जा। विश्वास करने की बात है, आज आपको चिल्लाने की बात है। पारी हमारी और आपकी है। जो इसमें बीमार है अभी वर्तमान करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए चलाने की आवश्यकता नहीं, उनको चिल्लाने की आवश्यकता है जो आज COVID-19 के शिकार हैं, टाइफाइड के शिकार हैं, अन्य बीमारी के शिकार हैं। और आज को आज आपको ऐसे चलाना है कि हे यीशु हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर, अपने आप को बंद करें। ऐसे में जहाँ कभी अगर खड़े स्थिति में तो खड़े हो जाएं और पुकारिए समय यीशु मसीह को। अब जहाँ कहीं भी समय में आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए और इसमें पुकारिए यीशु मसीह को, कहिए हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और देखें किसी घड़ी जहाँ पर आप खड़े हैं एक बड़े चमत्कार को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और कहें पुकारिए यीशु मसीह और कहिए कस के ऊंचा स्वर से कहिए, आप इसने अपने आंखों को बंद करके चलाइए और मेरे साथ कहिए, मेरे साथ कहिए इस समय में हालेलुया यीशु। Oh.
लीजिए अपने स्थान में। सिर्फ कहिए प्रभु जब तक तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुझे चंगा ना करे, जब तक तुझे आशीष ना दे, जब तक मुझे चंगाई ना दे, मैं आवाज लगाता रहूंगा प्रभु ईश्वर से, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा प्रभु, कहिए आप समय में। और कहिए यीशु मसीह तरस खा तरस खा तरस खा, चंगाई दे चंगाई दे चंगाई दे, मृत्यु से निकाल मुझको। आपकी आवाज प्रभु सुन लेगा मेरे भाई बहन, और जब चंगाई देगा, पुकारना आपको है, आपको विश्वास करना है, और प्रभु आपके विश्वास को देखकर कहेगा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जा, और विश्वास कर कल आपकी गवाही यहाँ पर आ जाएगी कि आपको परमेश्वर चंगाई दे दिया। आइए हम प्रार्थना करें, उन तमाम लोगों की प्रार्थना करें जिसका लिस्ट इसमें मेरे हाथों में है। हम प्रार्थना करना चाहते समय ज्योति कच्छप के लिए जो भिलाई की है, जो जस लगा जो टंगरा टोली की है, विश्वासी लगा जो टंगरा टोली की है, सोमवंत को जो अलकापुरी, शिखा माधवी तीड़ टंगरा टोली, सुष्मिता काका राजगंगपुर, प्रतिभा लोगों राजगंगपुर, संदीप खाल को राजगंगपुर, श्रेयस खाल को राजगंगपुर, बिलोम सिलोम खालखा राजगंगपुर, सुदेश तिरकी नामकोम, आभा तिरकी नामकोम, कलारा तिरकी नामकोम, एलिसा रोंडा सेमर टोली, मंजू रोंडा सेमर टोली, इमानुएल सुगम तिरकी प्रेमनगर, एजस खालको लोहरदगा, एंजलिना खालको लोहरदगा, प्रदीप टोपो भिलाई, गुलरिया हंसदा बड़ौदा, नीला पारा प्रेमनगर, अनिल टोपो चुड़ी टोला, हम इन सब लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये तेरे लोग हैं, इस समय जहाँ कहीं भी पिता ये आपको आवाज लगा रहे हैं पिता, ये लोग आपको पुकार रहे हैं यीशु मसीह जी, जिससे तूने उनके पुकार को जो जिन्होंने आपको पुकार सुनकर उनको चंगाई दिया प्रभु, आज इनके पुकार को सुनकर चंगाई दे परमेश्वर। विश्वास करता हूँ इसमें तू छूता इनको, अब इसमें ज्योति के छप को, जो जस लकड़ा को, विश्वासी लकड़ा को, सोभन बुजुर्ग को, शिखा माधवी पीढ़ी को, सुभिता खाखा को, प्रतिभा लगुन, संदीप खाल को, शेष खाल को, बिलोम खा सिलोम खाखा, सुदेश तिरकी, आभा तिरकी, कलारा एलिसा रुंडा, मंजू रुंडा, इमानुएल सुजन तिरकी, एजस खाल को, एजनाज खाल को, प्रदीप टोपो, हंसता नीला मारा, अनिल टोपो को चगाई देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने समय इनको छुआ है परमेश्वर, हमने तेरे लहू में ढांप दे यीशु मसीह, परमेश्वर के लिए छूले छूले इनको, कोविड-19 से बाहर निकाल, ये सारे लोग प्रभु जी कोविड-19 पॉजिटिव हैं पिता, छूले इनके जीवन को बचा ले परमेश्वर, कल इनका गवाही आ जाए, कल इनका गवाही आ जाए परमेश्वर की ये लोग चंगाई प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, आपने कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु ये तेरी महिमा करेंगे कल परमेश्वर पिता, ये विश्वास है हमारा, आपने छुआ है इन लोगों को, हम इनको तेरे लहू में डालते हैं प्रभु, बिल्कुल स्वस्थ कर दे ताकि स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद कर सके। बिरता मेरी टोपो चुड़ी टोला, आयुष टोपो चुड़ी टोला, एलसा टोपो चुड़ी टोला, संजय बाला प्रेमनगर, फेबुल्ला हेमा टोली, रजत कच्छप टंगरा टोली, अचला कच्छप टंगरा टोली, सेंट्रला सरकार विशानगर, शिखा सरकार विशानगर, आशीष दीप टोपो विशानगर, दिशा लकड़ा टंगरा टोली, अरुण डिग्रोस टुंकी टोला, रोमेलता डिग्रोस, हेमलता डिग्रोस टुंकी टोला, दिलीप कुजूर लोहरदगा, पंचम लकड़ा कुड़ू, शांति लकड़ा कुड़ू, फ्रांसिस बबलू थोरेन दुमका, प्रेमानंद सुशील लिंडा गांधीनगर, जेम्स वर्ली लकड़ा पोर्ट ब्लेयर, शांति लकड़ा नाम को, रेशमा तिरकी नाम को, प्रभु इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इन पता अनुग्रह का हाथ हो प्रभु, तेरे बच्चे प्रभु आज ये आवाज लगाते हैं, ये अपनी आवाज बुलंद करते हैं आपको, निहारते हैं आपको, पुकारते हैं, हे यीशु अब दया कर, हे यीशु अब पर तरस का करें लोग, प्रभु इनको छू ले परमेश्वर, हमने तेरे लहू में ढांपते हैं क्योंकि आपके लहू को छुटकारा है पिता, ये सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं परमेश्वर पिता, ये हर एक लोगों को चंगाई दे पिता, मौत को मुझसे बाहर निकाल प्रभु, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए पिता, और स्वस्थ होकर ये आपका धन्यवाद कर सके, ये आपकी महिमा कर दे पाए। हाँ पिता, अभी हमने सुना कि तू लाचार के और लाचार की प्रार्थनाओं को मुख करता है, उनकी प्रार्थनाओं को तुझ नहीं जानता है, ये आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता इनकी चंगाई का आशीष दीजिए, ऊंचाई का आशीष दीजिए, एक जन चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु, अरे स्वस्थ होकर पिता आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया प्रभु, आपने इन सब के कोड़े खाए हैं कि चंगे हो जाए। जय झंडा लकड़ा लोहरदगा, इनिम लकड़ा जो 7 साल के बच्ची है लोहरदगा, प्रतिमा महिमा इनिम लकड़ा, नूर बाला बेटा शास्त्री नगर, अमन बाला शास्त्री नगर, ज्योति लकड़ा बेटा शास्त्री नगर, जूलियस टोन एवं परिवार पुरुलिया, जॉनसन टोन एवं परिवार पुरुलिया, कृष्ण रश्मि कुजूर अरसंडे, बीमल कुमार लकड़ा शास्त्री नगर, तन्मय लकड़ा शास्त्री नगर, पूनम लकड़ा एवं उसके बेटों का भी चंगाई दिया, धन्यवाद प्रभु।
अनिल लकड़ा एवं उसका समस्त परिवार मनोहरपुर अल्फोंस थॉमस कुजूर काके रोड अभिषेक डिक्रूज कोकर प्रदीप किंडो परियातु प्रज्ञा किंडो परियातु प्रगति किंडो परियातु समीर कुजूर गुमला रेणुका किंडो गुमला रायन कुजूर रायन गुमला अर्चना किंडो गुमला। हे प्रभु ये सारे लोग कोविड पॉजिटिव है पिता परमेश्वर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनमें से हर एक को छू ले आप जय झंडा लकड़ा को छू लीजिए परमेश्वर पिता इदिम लकड़ा को प्रतिमा महिमा को इदिम लकड़ा को इदिम लकड़ा को नूर बारला को अमद बारला को ज्योति लकड़ा को जूलियस तूने उसके परिवार के सभी सदस्यों को जॉनसन तूने उनके परिवार के सभी सदस्यों को कृष्ण रश्मि कुजूर को विमल कुमार विमल कुमार लकड़ा को तन्मय लकड़ा को पूनम लकड़ा को अनिल लकड़ा को उसके परिवार को अल्फोंस थॉमस कुजूर को अभिषेक डिक्रूज को प्रदीप किंडो को प्रज्ञा किंडो को प्रदीप किंडो प्रगति किंडो समीर कुजूर रेणुका किंडो रायन अर्चना किंडो इन सबको स्पर्श कर परमेश्वर सबको अपने हाथ से थाम ले प्रभु इनमें से जो भी जितने भी सब कोविड के शिकार है पिता इन सारे लोगों को चंगाई दे परमेश्वर ताकि ये कल बिल्कुल चंगाई पाकर आपका धन्यवाद का भेंट आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ने पाए हमारे आपके लिए छुपाता हूँ विश्वास करता हूँ कि आपने इन सबके लिए कोड़े खाए प्रभु ताकि चंगे हो जाए इन्होंने आप पर विश्वास किया है पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है आप ही ने कहा है प्रभु ये सब आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर और आप इन्हें चंगाई देंगे इनका एक आशा है प्रभु आप पर छुले 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 क्योंकि आपके स्पर्श ने चंगाई देगा। हाँ प्रभु आपके किस्मत से चंगाई देगा मैं सबको आपके लिए ढांप देता हूँ परमेश्वर छुटकारे का आशीष से घेर ले हालेलुया प्रभु आपको धन्यवाद सदा हो आपकी महिमा आपकी बड़ाई सदा हो। नितेश शिशिर एक्का गुमला मुकुल राहुल एक्का रांची सपन दीप टोपू कडरू स्मिता टोपू कडरू ग्रेस टोपू कडरू अचल अविनाश तिरकी खूंटी उत्तम बाड़ा दिल्ली सुशीला मिंच कोकर एलिसा मिठा लकड़ा सिद्रोल सिद्रौली राकेश लकड़ा सिमरौली अनिमा लकड़ा तमिलनाडु पिता इन सब के लिए दुआ करता हूँ पिता इन सारे लोगों का नाम ब नाम चंगाई दे पिता इन्होंने आपको पुकारा स्वामी हम इनको आपके लहू में ढांकते हैं परमेश्वर पिता आपके लहू में हर एक के लिए सुरक्षा है पिता क्योंकि आपने इसलिए अपना लहू बहाया कि हमने से हर एक का पाप क्षमा हो जाए और हर एक को चंगाई मिले। हाँ प्रभु लहू के शक्ति सामर्थ पर हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता इसलिए हम इन लोगों को आपके लहू में छिपा दें परमेश्वर क्योंकि आपके लहू में इनका छुटकारा है आपके लहू में छुटकारा है परमेश्वर आपने इनके लिए भी कोड़े खाए ताकि ये सारे लोग चंगे हो जाएं। पिता इस समय जितने लोग 76 लोगों का नाम लिया गया यहाँ पर प्रभु जो कोविड के शिकार हैं इन सारे लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर एक एक को नाम ब नाम चंगाई दे नितेश शिशिर गुजूर को एक्का को मुकुल राहुल एक्का को संपत्ति टोपो को स्मिता टोपो को ग्रेस टोपो अचल अविनाश तिरकी उत्तम पाड़ा सुशीला मिंच अलीशा बिंद्रा लकड़ा राकेश लकड़ा अनिमा लकड़ा इन सबों को आप चंगाई दे परमेश्वर हम इनको तेरे लहू ठापते हैं सारे लोग पॉजिटिव है कोरोना पॉजिटिव है परमेश्वर पिता हर एक को छुटकारे का से घेर ले प्रभु इनको निराश होने मत दीजिए इस चंगाई कल पाकर आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ये आपके विश्वास पर आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हम अपने तमाम विश्वासी भाई बहनों को जिनका अभी हमने नाम पढ़ा हाँ पिता 76 लोगों का नाम हमने पढ़ा प्रभु ये 76 लोगों को आपके लहू में ढांपता हूँ प्रभु पिता एक एक को छुटकारा दे ताकि सब छुटकारा पाकर आपके धन्यवाद कर सब कोविड-19 से बाहर आ सके और आपका धन्यवाद कर सके। पिता हम सनातन एक्का के लिए प्रार्थना करते जो आम गांव के हैं विश्वासी एक्का आम गांव आशीष एक्का आम गांव औसा एक्का आम गांव अर्गन लकड़ा उर्माजी कुमारी नाग रेबेका नाग सेमर टोली निर्मनी तिरकी चुड़ी टोला एरिक एक्का चुड़ी टोला एंजल एडवर्ड बंगलोर सलोमी कोंगाड़ी तोरपा जुबेल लकड़ा भरदो जोन एक्का परिवार राउरकेला अनुराग कमल तिरकी हिंदपीढ़ी अंकित तिरकी सेमर टोली पोलना भूया चक्रधरपुर सेविता तिग्गा सिमडेगा जो कैंसर से पीड़ित है जो मुंबई में एडमिट है पिता सेवाती तिग्गा सिमडेगा कैंसर से पीड़ित मुंबई में एडमिट है रोशन करकट्टा नामकोम वायरल फीवर मदन करकट्टा नामकोम वायरल फीवर कल्पना हेलानी कैंसर जो नामकोम की है सोनी का गुमला वायरल फीवर अभिषेक किंडो गुमला वायरल फीवर और पिता ये लोग जो खांसी बुखार से पीड़ित हैं और टाइफाइड से पीड़ित हैं फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित हैं और पिता परमेश्वर वायरल फीवर से पीड़ित है कैंसर से पीड़ित है सबको चंगाई दे परमेश्वर हम इन सब लोगों को आपके लहू में ढांप दें पिता सनातन एक्का को विश्वासी एक्का को आशीष एक्का को और अरुषा एक्का को अर्गन लकड़ा को कुमारी रेबेका नाग को
और निर्मली तिर्की को और एरी कैका को, एंजल एडवर्ड बेंगलोर निवासी को, सोलोमी कुंगाड़ी को और जुवेल लकड़ा को और जोन एक्का परिवार को, जो पिता अफसर खांसी और सर्दी के बुखार से पीड़ित है, पिता इनको चंगाई दे, ये कोविड-19 के जकड़ में आने ना पाए, ये कोरोना का वर्ष में संक्रमित ना होने पाए प्रभु, इनके जो खांसी और सर्दी बुखार है इनसे चंगाई दे परमेश्वर, हम इनको तेरे लव में झांपते हैं परमेश्वर। हाँ पिता, अनुराग कमल तिर्की भी खांसी से पीड़ित है पिता, प्रभु इन सारे लोगों को इस बीमारी से, खांसी से, बुखार से, सर्दी से चंगाई दे पिता, प्रभु इनको छू ले, क्योंकि आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद मेरे यीशु, आपकी महिमा सदा हो पिता परमेश्वर। हम अंकित तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं जो टाइफाइड से पीड़ित है पिता परमेश्वर, पिता इस भाई को छू ले ताकि अंकित तिर्की टाइफाइड से बाहर निकल कर चंगाई पा सके और आपका धन्यवाद कर सके। पौलंदा भूया जो पिता चक्र उर्की है, जो फेफड़े में संक्रमण के खास पीड़ित है पिता, इसके फेफड़े को साफ कर दे पिता, हर एक संक्रमण फेफड़े से निकल जाए बाहर, कोई भी वायरस वापस आने न पाए और पौलंदा भूया इस विपत्ति से बाहर निकल जाए और आपका धन्यवाद कर सके। सेवाती टीका जो कैसा से पीड़ित है, जो मुंबई में पीठ है पिता, आपके लिए कोई भी बीमारी से चंगा करना असंभव नहीं बल्कि संभव है। तो इस पिता स्वाति दिगा सेवाति दिगा को चंगाई दे, उसके कैंसर रोग से चंगाई दे पिता, हम इस बहन को तेरे लोग छिपाते हैं पिता। रुसत कलकट्टा, मदन कलकट्टा जो पिता वायरल फीवर से पीड़ित हैं, इनको इस बीमारी से चंगाई दे परमेश्वर पिता। कल्पना हैदानी कैंसर से पीड़ित है पिता, इस बहन को चंगाई दे कैंसर से। और सोनी एक्का और अभिषेक किंडो जो वायरल फीवर से पीड़ित है, इन सारे लोगों को अपने लॉन्च पाते हैं, आर्य को चंगाई दे ताकि सब चंगाई पाकर प्रभु जी आपका धन्यवाद करने पाएंगे। नितेश को जो गुमला वायरल फीवर, रेशमा बांडा टमाटोली शरीर में दर्द, सहून लकड़ा हेहल शारीरिक कमजोरी, उषा शालोम लकड़ा अमगांव बुखार कमजोरी, अलिशा तोकनो लखनऊ स्वास्थ्य लाभ के लिए, शोभन तिर्की लांजी बेरा परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए, एबिल लकड़ा चार पास से चल नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। खासकर समय में एबिल लकड़ा जो चार बस से चल नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती, इस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो चार बस की बेटी है प्रभु, एबिल लकड़ा को छूले छूले, उसे जमान को छूले, उसके पैरों में और टखनों में बल को भर दे परमेश्वर, ताकि बोल सके और चल फिर सके। हम इस बेटी को आपके लोग छिपाते हैं। इसाक बीच प्रेम नगर शारीरिक मानसिक रोग से अस्वस्थ है, दुलाद टीका गैस्ट्रिक, एरोन लकड़ा कमजोरी, विश्वासी तो को कर दो पैरालाइसिस, प्रचारक ज्योतिष टीका कैम्पटे पैरालाइसिस, सतीश कच्छप गुरकुटिया पेट दर्द, सबरों पॉल तो अपनो बिलमित्रापुर कोविड-19 से बचाव के लिए, सुधीर पावन तो अपनो हजारीबाग कोविड-19 से बचाव के लिए, शोभन दगाड़ी फुलवारी शरीफ पटना अच्छे स्वस्थ के लिए, मेरी सुचेता थी का धन्यवाद कैंसर से चंगाई के लिए और कोविड-19 के लिए। ये पिता ये अपने अपने प्रॉब्लम को आपके सामने रखते हैं पिता, प्रभु इनका प्रॉब्लम को हम आपके सामने भी रखते हैं पिता। प्रश्न को तमाम लोगों के नाम पढ़ा गया पिता, एक को छुले और चंगाई दे पिता, हमारे को पिता आपके हाथ सुपूत करते हैं, आपने इनके लिए भी कोड़े खाए पिता ताकि चंगे हो जाएं पिता। विश्वास करते हो इस घड़ी कि आपने तमाम लोगों को छुआ है, इनके जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो वायरल फीवर हो, शरीर दुर्बलता हो, गैस्ट्रिक समस्या गैस्ट्रिक हो, चाहे कमजोरी हो, पैरालिसिस हो, पेट का दर्द हो, आपने इनको छुआ है पिता और हर एक को छुटकारा दिया, मैं आपका विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, और विश्वास में भाई बहनों को मैं आपके लहू में ढांप देता हूँ, क्योंकि आपके लहू में इनके लिए सुरक्षा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसमें हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मरीजों की सेवा करें प्रभु जी, जो कोविड-19 वार्ड में सेवा दे रहे हैं, उन नर्स बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुषमा पांडा टंगरा टोली, डॉक्टर अभिषेक गुड़िया प्रेम नगर, डॉक्टर निहार टोपनो प्रेम नगर, शिखा अचला टोपो नगरी, अमला तिर्की रांची, रीता तिर्की रांची, दीपा पद्या रांची, ये सारे लोग पिता कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं पिता, उस वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता। प्रभु होने दे कि ये आपके लहू में छिपाए जाएं पिता, इनको कोविड-19 छूने ना पाए, ये कोरोना वायरस का शिकार ना होने पाए पिता, ये अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह कर सके, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं प्रभु जी पिता। इनको स्वस्थ को अच्छा रख पिता, ताकि ये मरीजों की अच्छी सेवा कर सके पिता, प्रभु ये संक्रमित ना होने पाए पिता। हम हरे को तेरे लहू में छिपाते हैं। सुषमा बांड्रा, डॉक्टर अभिषेक गुड़िया, डॉक्टर निहार टोपनो, शिखा अचला टोपो, अमला तिर्की, प्रीता तिर्की, प्रदीपा पद्या, प्रभु इनको हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं, लहू में ढांप कर रख, ताकि कोविड-19 सुने ना पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने सच में इन प्रार्थनाओं को सुना है और इनको भी आशीषित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आज हमारे लिए एक शोक संदेश आता है प्रभु जी,
और इस रोग के बीच में पिता परिवार के लोग चाहते हैं कि शोक परिवार के लिए प्रार्थना किया जाए। हमारे एक्स बिशप डॉक्टर निर्मल में आज हमारे बीच में नहीं रहे, शाम 7:10 में उनका देहांत हो गया। उनके परिवार के शांति के लिए प्रार्थना करना है। ये मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दास को डॉक्टर निर्मल मिंज को अपने राज्य में ग्रहण कर, अपने संतों के बीच में जगा दे परमेश्वर पिता। और जो परिवार के लोग पीछे रह गए हैं, उनके धर्मपत्नी हैं, बेटियां हैं, घर के अन्य लोग हैं, नाती लोग हैं, हर एक लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। परिवार में जो शोक है, परिवार के लोगों को शांति प्रदान कर। तू ही शांति का दाता है, तू ही शांति का राजकुमार है, और केवल तू ही शांति दे सकता। आपने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, तुम्हारा मन ना डरे और ना घबराए, जो संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। सचमुच पिता, शांति स्वर्ग शांति है और तू ही शांति का दाता है प्रभु। इस बीच परिवार को, इसके सारे घर के लोगों को, और साथ ही अपने कलिश्य के लोगों को, जो आज इसके ध्यान से शोकित पीड़ित है पिता, पूरे कलिश्य को शांति प्रदान कर प्रभु। आपकी शांति डॉक्टर मिंज के परिवार में और पिता पूरे कलिश्य में मंडली में बना रहने पाए प्रभु। आप ही शांति के दाता हैं, हम इनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अपने लोगों को अपनी शांति से भर दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो पिता। इसमें एक और धन्यवादी लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, अनिता एक्का और सिल्विया लोगो जो मुंबई से हैं, जिन्होंने प्रभु इस प्रार्थना सभा के द्वारा चंगाई प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने आप विश्वास किया, आपने उन्हें चंगाई दिया प्रभु इस मसीह, इसलिए पिता वे आपको धन्यवाद देते हैं। अनिता एक्का और सिल्विया लोगो आज आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने बीमारी से COVID-19 से बाहर निकल कर पिता इस घड़ी चंगाई को प्राप्त किए हैं, और वह आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। दोनों बहनों के धन्यवाद को ग्रहण कर हम भी धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको, क्योंकि आपने हम सबों के प्रार्थनाओं को भी ग्रहण किया पिता, और आपने प्रार्थना सुनकर इनको जगाई दिया प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और यह आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इस घड़ी इन दोनों बहनों को स्वस्थ रख, इनके जो देह की कमजोरियां हैं बिल्कुल उनसे जगाई देते पिता, ताकि पूर्णतः स्वस्थ प्राप्त करके आपका हमेशा धन्यवाद बने रहने पाए। इनके विश्वास को आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पाए हे पिता परमेश्वर। इसमें कुतरा उड़ीसा से एक निवेदन आता है प्रभु, भाई निरंतर गुजूर और उनकी बड़ी बेटी COVID-19 से ग्रसित है। हाँ पिता, तुरंत एक अभी हमारे लिए प्रार्थना निवेदन पहुंचाया गया है प्रभु। ये हैं निरंतर गुजूर और उनकी बड़ी बेटी जो COVID-19 के शिकार है, कुतरा उड़ीसा के रहने वाले हैं पिता, जिन्होंने विश्वास साथ इस निवेदन को भेजा है। हाँ प्रभु, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह भी चंगा कर सकता है। हाँ प्रभु, भाई निरंतर गुजूर को और उनके बड़ी बेटी को आप इस बीमारी से, इस महामारी से निकाल, आजाद कर परमेश्वर, ताकि छुटकारा पाकर यह आपका धन्यवाद कर सके। पूरा उड़ीसा में खड़ा होकर, पूरा उड़ीसा शहर में खड़ा होकर ये कह सके, गवाही दे सके कि हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपके महिमा आपकी बड़ाई युगान युग होती रहे। हालेलुया। अभी गेल लकड़ा चल बल से चल नहीं सकती और न बोल पाती है पिता, अब इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दे प्रभु पिता। इसी घड़ी इसके जीभ को छूले 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 ताकि जीभ खुल जाए, जीभ का गांठ खुल जाए, और ये बच्ची इसी समय राइट नाउ इसी समय प्रभु ये बेटी का बोल फूट जाए, और सबसे पहले कहे प्रभु, प्रभु यीशु कहने पाए, प्रभु यीशु मसीह इसी समय इसके जवान खोल दे, और पिता उसके पैरों में, टखनों में, कमर में बल को भर दे, ताकि चल सके परमेश्वर, और पूरा घराना आपके महिमा करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए। अभी गेल लकड़ा को तू छूता है, चंगाई देता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बेटी को पूर्ण रूप आपके लहू में छिपाता हूँ, शैतान का चाल को असफल कर दे पिता, इस बेटी के जीवन में अद्भुत काम कर दे, ताकि परिवार आपका धन्यवादी होकर सदा आपका धन्यवाद करते रहने पाए पिता। इस समय एक और प्रार्थना निवेदन है पिता, वो शांति के लिए है प्रभु। आहलाद कलकत्ता की मृत्यु 5 मार्च 2000 को हो गई थी। पूरा परिवार शोकित है, राउरकेला के निवासी हैं, और चाहते हैं कि परिवार की शांति के लिए इनके लिए प्रार्थना किया जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आहलाद कलकत्ता को, जिसकी के मृत्यु हो गई 5 मार्च 2021 को पिता, उस भाई को अपने संतों के बीच जगह दे। हाँ प्रभु, उसका अपने लोगों के बीच जगह दे, स्वर्गराज में जगह दे, और पिता जो परिवार के लोग पीछे रह गए हैं पिता, हम उनके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। उनके घर में शांति की स्थापना कर प्रभु, उनके घर में जो आंसू बह रहे समय उन आंसुओं को पोंछ डाल परमेश्वर पिता, और बड़ी धाड़स बड़ी साहस दे उनको, ताकि प्रभु ऐसे संकट के समय में भी, इस दुख की घड़ी में भी पिता वो अपने विश्वास को न खोने पाए, बल्कि वह पिता
आप पर ईमान और विश्वास लाते हुए आपकी सच्ची शांति को प्राप्त करने पाए। पूरे परिवार को हम तेरे हाथ सुपूत करते हैं, आशीषित कर पिता। और जितनों के लिए प्रार्थना किया गया पिता परमेश्वर, जितनों के नाम के साथ बात किया, जो COVID-19 के शिकार थे, टाइफाइड के शिकार थे, मौसमी बुखार के शिकार थे, वायरल फीवर के शिकार थे, और पिता परमेश्वर जो बोल नहीं सकते थे, अपिता जिनको खांसी सर्दी का बुखार था, हमने सबके लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर। और आज आपने इस प्रार्थना को सुना है और आपने आशीषित किया है, ये हमारा विश्वास है। हम सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। पुनः इन सब लोगों को हम आपके हाथ सुपुर्द करते हैं पिता। विश्वास है कि आपने इनके लिए कोड़े खाए हैं, विश्वास करता हूँ कि आपने इनके लिए अपना लहू को बहाया है, और तेरी इच्छा नहीं कि इन सबको नाश हो जाए। प्रभु इनके पापों को क्षमा करते हुए, इनके छोटे बड़े हरे गुनाहों को माफ करते हुए हर एक आशीष दे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हुस्सन हालेलुया, हालेलुया, ओरा बाबा धन्यवाद, हालेलुया बाबा बाबा शकर बाबा धन्यवाद, हालेलुया, ओरा बाबा शकर धन्यवाद। प्रभु इनको चंगाई दिया है तूने, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। सचमुच यीशु मसीह आपने चंगाई दिया हरेक को, धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में जिनका नाम पहले हमने पढ़कर जिनके लिए प्रार्थना किया, पिछले दिनों में 7 दिनों तक जिनके लिए प्रार्थना की गई पिता, हम उन सारे लोगों को सम्मिलित करते इस प्रार्थना के पिता। अभी उनका नाम नहीं ले रहे प्रभु, सबका नाम तू जानता है, क्योंकि तू सबके नाम को लिख कर रखा है। प्रभु एक एक जन को छुटका दे, एक एक जन स्वस्थ जीवन दे। अभी तक जो स्वस्थ नहीं हो पाए हम उनको स्वस्थ कर दे, और जो दुर्बलता महसूस करें उनका शरीर में बल सामर्थ्य को बदले, ताकि सब लोग पिता परमेश्वर स्वस्थ होकर, स्वस्थ रहकर आपका धन्यवाद कर सके। एक एक जीवन में अपने भलाई को प्रकट कर परमेश्वर, ताकि तेरे विश्वासी अपने विश्वास में जगमाग करने न पाए, बल्कि तेरे विश्वास में मजबूत पाए जाए। हम दुनिया तिगट है प्रार्थना के, जो केमिकल के हैं, जो बीमार है परमेश्वर पिता, तो वो हम इसे भाई दुनिया तिगट लिए प्रार्थना करते हैं, छू ले परमेश्वर, क्योंकि आपके किस पर चंगाई देगा। इसके बीमारी से तूने ही निजात दे सकता है परमेश्वर पिता। दुनिया तिगट को छू ले, ताकि किंकल निवासी चंगा हो जाए, अरे परिवार समेत आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सके। हे खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज जितने धन्यवाद का भेंट अर्पित किया प्रभु हर एक के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और ही प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन में ऐसा बीमारी कभी आने मत दे पिता, ये बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहें, और पिता हमेशा आपकी गवाही देने पाए दुनिया के अंदर में, हमेशा आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ने पाए। हर एक कोशिश कीजिए पिता। प्रभु फिर एक बार मैं आपकी प्रजा के लिए आपके सामने खड़ा होता हूँ, जिस प्रकार मूसा आपकी प्रजा शहर के लिए खड़ा होता था प्रभु, और जब वो अपने हाथ उठाता स्वर्ग की ओर और आपसे दुआ करता था, आप महामारियों को, संकटों को अपनी प्रजा से अलग करते थे। आज नया इसराइल की प्रार्थना करता हूँ जो मसीही लोग हैं पिता, मैं एक छोटा सा दास आपका सेवक प्रभु अपने हाथ स्वर्ग उठाता हूँ, और इस सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी प्रजा में से, अपनी प्रजा में से इस कोरोना महामारी को बाहर कर दे परमेश्वर, अपने प्रजा के बीच में से इस बीमारी को बाहर कर दे, अपने प्रजा को संक्रमित होने मत दे परमेश्वर। हमने उच्च सब पुकारा यीशु मसीह, दया कर अपनी प्रजा पर, दया कर हर छोटे बड़े पर, दया कर ताकि सब सुचित रहकर पूरा मसीह समुदाय आपका धन्यवादी हो सके, आपके महिमा कर सके, आपकी गवाही पर विश्वास देने पाए। प्रभु चर्च के अगुओं के लिए प्रार्थना है, हमारे कार्यकारी विषम के लिए प्रार्थना है, और जितने भी अगुए हैं चर्च के, डायसिस लेवल के अगुए हैं, मंडल लेवल के अगुए हैं, प्रेस लेवल के अगुए हैं, चेयरमैन जितने भी हैं, जितने प्रचारकगण हैं, युवा संघ के अधिकारी हैं, महिला संघ के अधिकारी हैं, जिस भी स्तर का अधिकारी हैं, हर एक को तेरे लहू छिपाते हैं, हमारे पंचमंडल को तेरे लहू छिपाते हैं, एक एक जीवन की हिफाजत कर प्रभु, स्वच्छ दे ताकि सब स्वस्थ रहकर आपकी सेवा कर सके और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा कर सके। प्रभु जी हमारे चेयरमैन को भी आशीष दें, उसके घराने को आशीषित कर, उनके बच्चों को आशीष दें, ताकि आपका सेवक खुशहाली का जीवन बिता सके और सदा आपके सेवक के लिए खड़ा होने पाए। इसके मन से डर भय को हमेशा दूर कीजिए, और साहसी बनाइए पिता, साहस साथ ही आपके सेवक के लिए खड़ा हो सके, इसका परिवार को आशीषित कर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस समय हम ये भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अपने खलिशा में अपनी महिमा को प्रकट कर, और जो भी हम अपने लोगों की सेवा के लिए एक उपाय करना चाहते हैं, एक छोटा सा केंद्र खोलना चाहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पिता, उसके लिए आपसे मदद मांगते हैं परमेश्वर, आप ही मदद कीजिए, अगुवाई दीजिए, ताकि सचमुच वो केंद्र बन सके और बहुत सारे लोगों को उसे लाभ मिल सके। तो वो सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और धन्य नाम में, ये भी प्रार्थना करते हैं ये रात्रि काल हमारे सबके लिए, इन बीमार लोगों के लिए भी कुशल मंगल बीतने पाए, और सब लोग स्वस्थ होकर अपने अपने जगह घरों में लौट सके, और यह रात्रिकाल हम सबों के लिए कुशल मंगल बीते, ताकि कल के सुबह देखकर प्रभु, कल के सुबह प्रकाश को देखकर हम आपको धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह के नाम में तीन तय की प्रार्थना को मांगते हैं, प्रार्थना सुनिया बद ऐसे ग्रहण कीजिए, आमीन और आमीन। प्रभु की प्रार्थना सत्य करें। हे हमारे
पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जावे, तेरा राज आवे, तेरे स्वर्ग पृथ्वी पर भी पूरी होवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और अपने परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। ईश्वर को गुड नाइट।